हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मीडिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम कह सकते हैं वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट, लेट्स गेट डिस्कस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, पहले ये चीज समझ लीजिए कि हम फाइनेंस प्लान कर रहे हैं। फाइनेंस मींस मनी, पैसा, और प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना। तो प्लान कब किया जाता है, प्लानिंग आने वाले कल के लिए की यही है या बीते हुए कल के लिए? तो हम सभी जानते हैं प्लानिंग हम करते हैं आने वाले कल के लिए। तो यानी फ्यूचर में हमें फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट दैट। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें फंड कितना रिक्वायर करेगा। अब मैंने इसलिए आपको बताया ना कि प्लानिंग की बात की जा रही है, तो फ्यूचर यानी फ्यूचर में हम कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें होगी, फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट दैट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट लगा रहे हैं फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट। और ना केवल हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कि फ्यूचर में हमें कितना फंड, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम ये भी जान रहे हैं कि उस पैसे को हम कहां से अरेंज करेंगे। क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में, गाइस एक चीज आप बहुत समझ लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती है कि सिर्फ हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितना फाइनेंस चाहिए, हम ये भी देखते हैं कि हमें उस पैसे को कहां कहां से रेस करना है, और यही नहीं उस पैसे को रेस करने के बाद कहां हम उसे खर्च भी करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एस्टिमेशन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हमने फंड एस्टिमेट किया है वो कहां से आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में एस्टिमेशन लगाने के बाद, सोर्सेज डिफाइन करने के बाद, हम उस पैसे को कहां खर्च भी करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी करती है। अगर हम बात करें, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है या आपके एग्जामिनर कभी पूछ लेता है, तो वन मार्क क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कैसे होती है। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है सेल्स फोरकास्ट से। यानी कंपनी को अगर ये जानना हो कि फ्यूचर में उसे कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को वो कैसे फोरकास्ट करेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है सेल्स फोरकास्ट से। कंपनी को अगर ये जानना हो कि फ्यूचर में हाउ मच फंड द फर्म विल बी नीड ऑफ फ्यूचर, तो इसकी पता कैसे चलेगा, इसको पता चलेगा इसकी अगर हम बात करें कि फर्म को फ्यूचर में कितना फाइनेंस चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो फ्यूचर में फर्म को कितना फाइनेंस चाहिए पता चलेगा फर्म अगर सेल्स को फोरकास्ट कर ले, यानी फर्म अगर अपने फ्यूचर में कितनी सेल वो कर सकती है, कितनी सेल वो कर है, अगर उसको सही से फोरकास्ट कर ले, तो जितनी सेल हो जाएगी उसी हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं हमें कितना फाइनेंस होगा। नहीं समझे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लाइक कंसीडर माय सेल्फ एज अ बिजनेसमैन, इफ आई कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में मेरे 10,000 यूनिट बिक सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्यूचर की सेल को एंटीसिपेट किया और यह देख लिया कि 10,000 प्रोडक्ट मेरे बिक सकते हैं, और वहीं मैंने देखा कि मेरे एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 100 रुपए। तो 10,000 × 100 अगर हम बात करें तो 10,00,000 रुपए। तो अगर देखा जाए तो मुझे कितने फाइनेंस की जरूरत होगी, आई विल बी इन नीड ऑफ 10,00,000 कैपिटल। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद सेल्स फोरकास्ट। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये तो देखते हैं कि कितना चाहिए। अब मैं यहां बात की ना कि एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना फंड रिक्वायर है, तो क्वांटिटी की तो बात होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये देखते हैं हमें कितना पैसा चाहिए, यानी इन व्हाट क्वांटिटी और इन व्हाट अमाउंट ऑफ फंड वी आर इन नीड ऑफ इन फ्यूचर। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम फंड की क्वांटिटी की बात ही नहीं करते, सर हम ये भी देखते हैं कि हमें कब चाहिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्वांटम ऑफ फंड विच मींस क्वांटिटी ऑफ फंड एंड एट व्हाट टाइम फर्म विल बी इन नीड ऑफ फाइनेंस इन फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि ये तो देखा जाता है कि कितना पैसा चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कब चाहिए होगा। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस एज वेल एज टाइमिंग ऑफ फाइनेंस।
गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 3 to 5 ईयर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर बात की जाए दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है 3 से 5 साल के लिए और ये बेनिफिशियल होती है, ये की जाती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए। और वही बात की जाए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल की होती है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बजट भी बोल सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप बता सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों जॉब की जाती है? फॉर फ्यूचर ग्रोथ और फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म यानी हम बजट की बात करते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइप्स क्या है, लेकिन अब ये भी जान लिया जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों हम फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, क्यों हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा चाहिए होगा। तो उसके दो रीजन या दो ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ये इंश्योर करना कि फर्म के पास अवेलेबिलिटी है फंड की जब भी उसको चाहिए। यानी अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, अगर हम फ्यूचर का फाइनेंस प्लान कर लें, अगर हम ये प्लान कर लें कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा चाहिए होगा, तो हम एक चीज से तो श्योर होंगे कि हमारे पास पैसा होगा जब भी हमें चाहिए होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये इंश्योर करना। हम इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंस की ताकि एक चीज से हम श्योर हो जाए कि भाई हमारे पास जब भी पैसा हमें जब भी चाहिए होगा हमारे पास वो पैसा होगा, क्यों? हमने पहले से ही फाइनेंस प्लान कर लिया है, मैंने पहले से ही अपने लिए अपने पास पैसे रख लिए हैं, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए रख लिए, ताकि कल को अगर मुझे जरूरत हो तो मैं एक चीज से श्योर हूं कि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाइनेंस प्लान कर लिया था, ऑलरेडी मैंने ये एस्टिमेट कर लिया था कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। और एक दूसरा रीजन है और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल प्लानिंग का करने का, ये है कि टू एंश्योर फर्म शुड नॉट रेज द फाइनेंस अननेसेसरली। कहा जाता है कि एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। ज्यादा पैसा होना उतना ही खतरनाक है जितना कम होना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का एक और रीजन ये भी है ताकि फर्म इस चीज से श्योर हो जाए कि फर्म ने अननेसेसरली फाइनेंस रेज नहीं किया, फर्म ने उतना ही रेज किया है जितना उसे जरूरी है। एंड इफ एनी हाउ फर्म रेज द अननेसेसरली फाइनेंस, अगर एनी हाउ फर्म अगर अननेसेसरली फाइनेंस कर लेती है, तो फर्म को उस फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव, ये तो थे ऑब्जेक्टिव दो फाइनेंशियल प्लानिंग के, जिसमें हमने ये देखा कि पहला ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि फर्म के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है व्हेनेवर फर्म इज इन नीड ऑफ, एंड सेकंड इज टू इंश्योर दैट कि फर्म अननेसेसरली फाइनेंस तो कहीं रेज नहीं कर रहे। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंपॉर्टेंस की। हो सकता है गाइज मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, तो ठीक है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस की, कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला टू अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस में शॉक्स और सरप्राइजेस बेसिकली फाइनेंस को लेकर ही होते हैं, झटके शॉक्स अमेज कैसा होता है बिजनेस में। तो बिजनेस में सारे जो शॉक्स होते हैं, सारे सरप्राइज होते हैं, वो हमेशा कैपिटल और फाइनेंस को लेकर ही होते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही फ्यूचर के लिए अगर फाइनेंस प्लान कर लेंगे, पहले से हम एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल को अगर रिजर्व करके रख ले अपने पास, या पहले से प्लान करके रख ले कि भाई खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हमारे पास कम से कम इतना पैसा तो होगा। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं तो हम फ्यूचर के शॉक्स एंड सरप्राइजेस को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा helps the company to prepare for the future। अब बेसिकली फ्यूचर में अगर फर्म के पास अगर कुछ ग्रोथ प्लान है, फ्यूचर में अगर फर्म कुछ एक्सपैंड करना चाहती है, तो वो तभी तो पॉसिबल है जब हमने फ्यूचर के लिए आज ही से तैयारी कर ली हो। यानी कल क्या हम करेंगे, अगर आज ही हम डिसाइड कर लें कि कल हमें कितना पैसा चाहिए होगा, तो आज ही हमने फाइनेंस प्लान कर लिया है ताकि कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए। तो हमने फ्यूचर में फर्म को कितना पैसा चाहिए हो सकता है, हमने आज ही प्लान करके उसका एक एस्टिमेशन बना लिया है, so that we can prepare the company for future challenges। Then हम बात करते हैं लिंक बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सिर्फ यही एस्टिमेट नहीं करते कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमें ये भी एस्टिमेट करते हैं कि हम उस पैसे को कहाँ लाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे। सिर्फ यही एस्टिमेट नहीं कर रहे कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा, हम ये भी ध्यान देते हैं कि उस पैसे को हम कहाँ से लाएंगे, और सिर्फ यही नहीं कि कहाँ से लाएंगे, हम लाने के बाद उसे कहाँ खर्च करेंगे। तो फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो एक लिंक एस्टैब्लिश करती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन में, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग हम ये भी देखते हैं कि वो पैसा कहां से आएगा और वो पैसा कहां इन्वेस्ट होगा। तो बाय डूइंग सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक एस्टैब्लिश कर रही है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे वेस्टेज ऑफ फंड को रिड्यूस कर रही है। क्यों? अगर हम पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे और हमें जितना पैसा चाहिए होगा हमने उतना ही अगर हमने अपने पास अवेल करके रखा हुआ है, उतना अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है, तो एक्सेस फंड के रेज होने के चांसेस नहीं है। और आप जब भी जानते हैं, आप जानते हैं, आसानी से ये जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब भी पैसा अननेसेसरली आ जाता है तो उसका कभी भी ऑप्टिमम यूज नहीं होता, वो वेस्ट ही होता है। तो वेस्टेज कब होता है? जब हम किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते, लेकिन हमने एक्चुअली ये प्लान करके रखा हुआ है कि व्हाट प्रोपोर्शन, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल फर्म इज इन नीड ऑफ, तो बेसिकली अननेसेसरी फंड के रेज होने के चांसेस नहीं है। तो जब अननेसेसरी रेज नहीं होगा तो अननेसेसरी फर्म का वेस्ट नहीं होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में वी जस्ट रेज ओनली दैट मच फाइनेंस दैट मच वी आर इन नीड ऑफ, तो हम उतना ही रेज करते हैं जितना हमें चाहिए होता है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से एक लिंक एस्टैब्लिश कर रही है प्रेजेंट विद फ्यूचर। और व्हाट, इन व्हाट सेंस, किस सेंस में ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट से फ्यूचर को लिंक कर रही है? तो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देख रही है। तो प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन प्लस फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन को हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक करती है कि आज हमें कितना चाहिए और कल हमें कितना चाहिए होगा। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की और ये जाना कि इसमें एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कितना फंड हमें हमारे फर्म को चाहिए होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 9 टिपिकल लगता है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिए, क्योंकि वो एक्चुअली कमेंट इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत देता हूं, बाय बाय।